और यहां पर आपको एक आम खबर दें, इस्लामाबाद अंसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल समात में चेयरमैन पीटीआई का चार रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। नुमाइंदा चैनल न्यूज रऊफ बज़मी हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। रऊफ बज़मी बताइएगा, इंतसाब अदालत ने जो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का चार रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया है, जबकि तोशाखाना केस में जो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की उबरी जमानत 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और दीगर जो है वकला अदालत में पेश हुए। नैब की जानब से 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने चेयरमैन पीटीआई के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की तस्दीक करते हुए कहा कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है, नैब तय करेगा कि अपन इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। और दूसरी जानब इंतसाब अदालत ने वकला की सिफारिश पर डाला जेल में बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत की। पुराने समाअत रुखास गुजार वकील अदालती खोसा ने दलायल दिए और अदालत ने बुशरा बीबी को जो है उबरी जमान में 21 नवंबर तक के लिए तौसी कर दी है। जी जी बहुत शुक्रिया रऊफ बज़मी, आपने अपडेट किया।